So hi, welcome back to one more video on project ideas. In this video we are going to discuss, or rather I'll show you a student project called email spam classifier. Okay, so naam se thoda aapko samajh mein aa raha hoga ki ye project kya hai, but I'll just give you a background. So agar aapne kabhi bhi koi bhi email client use kiya hai, jo aapne use kiya hi hoga, so wahan par kya hota hai ki almost all the email clients, let's take an example Gmail, वो लोग क्या करते हैं कि एक इंटरवल प्रोग्राम रहता है उनके ईमेल क्लाइंट में बिल्ट इन, जो इनकमिंग मेल्स के टेक्स्ट को स्कैन करके डिसाइड करता है कि वो मेल स्पैम है कि नहीं, राइट? और ऐसा क्यों करना पड़ा उनको, बिकॉज जैसे जैसे ईमेल मार्केटिंग बढ़ने लगा, ज्यादा ज्यादा कंपनीज यू नो ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी, तो स्पैम्स ज्यादा आने लग गए, राइट? और जीमेल जैसी कंपनीज को फिर सोचना पड़ गया कि अगर बहुत ज्यादा स्पैम्स मेन फोल्डर में आने लग जाएंगे तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि उन्होंने एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस है कि वो कैटेगराइज कर सकता है, वो फिल्टर आउट कर सकता है कि ये मेल स्पैम है, ये मेल स्पैम नहीं है, और सारे स्पैम को वो एक फोल्डर में डाल देता है, राइट? इसलिए आपने कभी सुना भी होगा कि स्पैम में चेक कर लेना एक बार, राइट? सो हमने भी ये सेम प्रोजेक्ट बनाया है. दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड ईमेल क्लाइंट, बट उसका एक छोटा सा पार्ट है कि अगर आप इसको एक टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे, एक ईमेल का कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी एबल टू क्लासिफाई इट एज अ स्पैम और नॉट स्पैम. ओके, सो आई डिस्क्राइब कि प्रोजेक्ट कैसे बना एंड ऑल, बट उसके पहले लेट मी शो यू कि आप ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है? सो मैंने अपने ही ईमेल से कुछ दो तीन मेल्स ओपन करके रखे हैं, जस्ट सो दैट आई कैन शो यू. सो जैसे ये एक रेडबस का मेल आया था मुझे कुछ दिन पहले, मैं इसका कॉन्टेंट को कॉपी कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली दिस इज अ स्पैम मेल. मैंने इसके कॉन्टेंट को पेस्ट किया यहाँ पे और प्रिडिक्ट पे क्लिक किया मैंने, एंड यू कैन सी इट से स्पैम, ठीक है? तो ये सही से इसने डिटेक्ट किया. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे हम एक एक्चुअल सही ईमेल को फीड कराते हैं सिस्टम में, और ये एक एक्चुअल ईमेल है, हमने अपने एक इंटर्न को ऑफर लेटर भेजा था. सो आई पेस्ट इट ओवर हियर एंड लेट्स सी इसको वो क्या क्लासिफाई करता है. एंड इट सेज हैम, सो हैम का मतलब नॉट स्पैम. ओके, वन लास्ट, सो दिस इज एनालिटिक्स विद्या का दिस अगेन मेल, अगेन इट्स अ प्रमोशनल मेल, सो आई कॉपी दिस एंटायर कॉन्टेंट एंड आई पेस्ट इट ओवर हियर एंड आई रन दिस. ओके, एंड यू कैन सी अगेन इट्स सेइंग स्पैम. Okay, so I have tested this program and this is working quite well. In fact, यहाँ पर एक machine learning algorithm use किया हमने naive base बोल के, और वो algorithm is very very good on textual data. आप थोड़ा machine learning में घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा. Probability based एक algorithm है, और इस point पे ये जो system है इसका accuracy is almost 94%, close to 94%. So अगर आप इसको 100 emails दे रहे हो तो रफली 94 ईमेल्स को ये सही से क्लासिफाई कर पा रहा है, ठीक है? अब ऑब्वियसली इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो. और सो पूरा प्रोजेक्ट का अगर आप फ्लो देखो तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर जिसमें बहुत सारे मेल्स में स्पैम था और नॉट स्पैम मेल्स थे, उसके ऊपर हमने अपने नाइव बेस क्लासीफायर को पूरा ट्रेन किया, राइट? फिर हमने मॉडल को उठा करके एक वेब ऐप में कन्वर्ट किया यूजिंग फ्लास्क का बैकएंड, और फिर इवेंचुअली हमने उसको हेरोकू पर डिप्लॉय किया, यू कैन सी दैट. ओके, और दिस इज द एंटायर प्रोजेक्ट. आई वुड नॉट से इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, टू बी ऑनेस्ट दिस इज लाइक एन इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट, बट ये करने से आपको बहुत एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने का एक आई वुड से एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? आप इस पर्टिकुलर चीज को और इम्प्रूव करके यू कैन क्रिएट सेंटिमेंट एनालिसिस बेस्ड वेब एप्लीकेशंस, बिकॉज ये सेम टेक्निक वहां पे लगता है. सो आई वुड प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस ऐप इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. You can go check it out, and if you feel like doing it, do it for sure. Okay? So that was the video, guys. I hope it was helpful. Thanks for watching.